मैंने कहा था कि मैं आज से एक्टिव रहूंगी रील्स पे सब, मैंने सोचा भी था मैं बनाऊंगी, लेकिन अंजना कल वापस जा रही है बहरीन, तो मुझे अपने साथ जो भी उसका सामान पेंडिंग है इंडिया से, उसको जो 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 लेना है सब मुझे ले लेकर जा रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो देखते हैं। तो 10 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, मुस्कान देव से मिल रहा हूँ, और नसीब अच्छी की डोर ओपन है, देखते हैं कितने लोग क्या कर रहे हैं। मैंने फोन किया, बोले घर पे ही हूँ। सिमरन जी सही है। क्या डांस है, किस किस से कहा यार, तू पूरे 10 दिन हम मिरर में दिख रहे हैं। ये बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ। पर गाय इतनी सारी, खाना इतना कम क्यों? अरे पता चला कि नहीं, ये वाली है ना, नहीं गाय ये वाली ना, ये नई मेहमान आई है, तो क्या उनको खिलाओगे क्या? अच्छा तुम मेरा हाथ क्यों कंफ्यूज होता ना, इतना सारा रहता है, किसको किसको खिलाए, जिसकी नसीब में रहेगा सबको खा लेगा। स्वीटी को भी तो दिखाना है। स्वीटी कौन है? अच्छा तो बिल्ली है। लड्डू दो, लड्डू खाओगी तुम? खाती है लड्डू? जो लकी होगा उसको ये मिलेगा, बेसन का लड्डू। लो भाई तुम भी ले लो। मैंने मेरी माँ से पूछा, मुझे जिंदगी भर खुश रहने के लिए एक अच्छी सलाह दो। मेरी माँ ने कहा, कभी किसी का इतना दिल मत दुखाना कि वो रो रो कर तुम्हारी शिकायत ऊपर वाले से करे। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। आदमी तभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग उसे मिलने का इंतजार करें। जादू मिनट के बाद भेज देना।